थू, एगो गाना है भैया, इसलिए मैंने थूका क्योंकि गाने का टाइटल है थू है। हमारी भोजपुरी की शेरनी कहे जाने वाली यार, एक्स भौजी भी कह सकते हैं हमारी, अक्षरा सिंह जी। अक्षरा जी का एक गाना आया है थू। सबसे पहले तो बहुत स्वागत मेरे चैनल में, मैं आपका भाई शुभम सिंह। भाई गाना हमू सुननी हो तो ठीक बा, गाना हुआ तो ठीके बा, लेकिन हमारे ई ना समझ में आवेला कि जब किसी का नैया डूबता है तो पवन सिंह का हाथ काहे पकड़ता है, पवन सिंह का ही हाथ पकड़ता काहे। और भी लोग हैं, जाइए उनके ऊपर गाना गाइए। मतलब मैंने अब वो किस इंटेंशन से गाई हमको नहीं पता है, लेकिन आप जो चीज़ें परोस रही हैं, जनता उसको किस तरह उस पर रिएक्ट करेगी, या फिर जनता उसको कैसे एक्सेप्ट कर रही है, ये भी आप देखिए। क्या कि आप एक सुपरस्टार हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करती हैं। मैंने देखा इनका गाना तो लगातार चल नहीं रहा है, 20,000 है, 15,000 व्यू वाला गाना, तो 15,000-20,000 व्यू आता है। तो अब सोची कि भाई गाना चल नहीं रहा है तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी किया जाए। गाने का टाइटल है थू, अब बताइए ना कोई कहेगा कौन गाना था थू। कौन गाना भाई थू, गाना सुन लो हो यूट्यूब पर, क्या सर्च मराई, कोई वॉइस सर्च मार कही थू। मोबाइल वोबाइल में मत थूक ली। तो थू गाने का टाइटल है, बड़ा बढ़िया गाना है थू। हंसी भी आ रहा है, का मतलब भौजी, एक्स भौजी क्या गाई हैं आप, बहुत अच्छा गाई हैं। हालांकि गायकी में तो बहुत सुधार आया है, बहुत अच्छे से आप सीखी हैं। थू गाने का टाइटल है और गाने में लाइन भी है कुछ इस तरह का अंतरा में कि एक बार जिसको छोड़ दिया उसे मुड़ कर नहीं देखती। मतलब वो बंदा कुछ नहीं बोलता है तो एकदम उनका मोथे पर चढ़ जाओ, वो इंसान कुछ नहीं बोलता है तो एकदम उनके उनके सर पर चढ़ जाइए। वो इंसान कुछ कभी रिएक्ट नहीं करता, उतना बड़ा बड़ा महाराज मैटर हो गया, आप इंटरव्यू दे रही थी वो दे रही थी, वो कुछ बोले ही नहीं, तो वो अभी भी नहीं बोलेंगे, वो अभी भी नहीं बोलेंगे। हाँ उन्होंने भी गाए थे आपके विरोध में गाने, मानता हूँ पहले गाए थे कि जिसको भी सर पे चढ़ाया हूँ मैं ओकरे से धोखा धोखा रहा हूँ, ठीक है बहुत सारे गाने भैया ने भी गाए हैं, लेकिन क्या ज़रूरत था अभी गाने का, अभी गाने का क्या ज़रूरत था, मैं बता रहा हूँ क्या ज़रूरत था। व्यूज़ आ नहीं रहे थे, 50,000-20,000 व्यू आना है, एक कमरिया पतरे पतरे गाना था ना, हो कमरिया पतरे पतरे था, वो भी कंट्रोवर्सी से जुड़ा था, उठा के गा दिया आपने, लेकिन बॉस बॉस ही रहेगा, चिरत फात एकदम निकल गया आगे, तो उनको इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये दर्शाता है कि आप क्या कर रही हैं, आप बिना मतलब का खोदने में क्या मजा आता है, क्यों मतलब मुझे समझ में थू गाने की ज़रूरत क्या था। ठीक है गा भी रही हैं लिरिक्स, ऐसा आप गा रहे हैं, एक बार जिसको सर से, एक बार जिसको भुला दिया उसको मुड़ कर नहीं दिखा, ये वो फलाना ढिमका चिमका, बाप रे बाप। ठीक है तो आप लोग खो देते हैं, बॉस पकड़ के खरकोच देते हैं तो एकदम परपराए लगेगा। गाइए कोई दिक्कत नहीं, वो इंसान हालांकि बोलेगा नहीं, मुझे भी पता है, और नहीं ये बोलेंगे तो ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, नहीं ये बोलेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थू जो टाइटल है बड़ा मस्त है, हम भी यूट्यूब पर सर्च मारेंगे थू, जैसे वर्ड सर्च मारे तो थू बोलेंगे तो आ जाएगा ना गाना, वहाँ वैसे ही थू करेंगे तो गाना आएगा। अब देखिए किस इंटेंशन से गाई है मुझे नहीं पता है, लेकिन व्यू तो आएगा इस पर, मुझे पता है व्यूज़ आएगा, क्योंकि अब हम लोगों ने वीडियो बना दिया, हम लोगों ने वीडियो बना दिया, ऊपर से गाने का टाइटल भी वैसा ही है, तो देखते हैं क्या रिएक्शन होता है, पब्लिक इसको कैसे एक्सेप्ट कर रही है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लेकिन अच्छा गाइए भौजी, ऐसे ही गाइए, आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, नमस्कार।